सॉरी यार। कोई बात नहीं सरतुषा, यार मेरे ख्याल से काफ़ी देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। क्यों, ये सब कौन खाएगा? तुम खा लेना। कम ऑन सोबिया, ऐसे तो मत जाओ। तुम्हें पता है कोर्ट कचहरी के सारे सिलसिले के बाद और फिर शादी, मैं तो मुस्कुराना ही भूल गई थी। मुझे तो मेरे घर वाले भी अजनबी से महसूस होने लगे हैं। सरतुषा, अब तुम्हारे घर वालों को तुमसे क्या मसला है? सब कुछ तो उनकी मर्जी के मुताबिक ही हो रहा है ना। उनको मुझसे ये शिकायत है कि मैंने उनका फैसला दिल से नहीं माना। और मुझसे? तुमसे ये शिकायत है कि तुम्हारे साथ रह के मैं फिर से जज्बाती ना हो जाऊं। सरतुषा, तुम्हें अपनी फैमिली के दिमाग से ये बात निकालनी होगी। आई नो, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतना मुश्किल भी नहीं है। कैसे? तुम खुद को चेंज करो, क्या मतलब? मतलब अपनी फैमिली को यकीन दिलाओ कि तुमने उनका फैसला मान लिया है। लेकिन अगर मेरा दिल ना मान रहा हो तो? सरतुषा, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपना पास्ट भूल जाओगी। क्या ये इतना ही आसान है जितना तुम कह रही हो? हर कोई बस चाहता है मैं उसकी मर्जी के मुताबिक हंसूं और उसकी मर्जी के मुताबिक जीऊं। मैं ये भी कर लूंगी, लेकिन ये लोग मेरा जख्म भरने का इंतजार तो करें। मैं मानती हूं कि मैंने बाबा जान का फैसला दिल से कबूल नहीं किया, लेकिन वो लोग भी तो माने ना। मैंने उसको खोया है जिससे मैंने मोहब्बत की है। वो अलग बात है कि वो बेवफा निकला। चलो छोड़ो। खाओ तो अब। तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे तो सबा का फोन आया है कि जरतशा का दिल नहीं लग रहा, उसे आके ले जाओ। अम्मी जान, मैं जो आपको कह रहा हूँ उसे समझे, उसको कुछ दिन और वहीं रहने दें। तैमूर, अभी तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी फैसले नहीं कर लिया करो। अच्छा, फिर अब आप एक काम करें कि आप ही लेने चले जाएं। ठीक है, मैं भी साथ चली जाऊंगी। अच्छा, इसी बहाने सना से भी मिल लूंगी। अब ये मत कहना कि तुम मेरे साथ नहीं चल रहे। कहना तो मैंने यही था, लेकिन जो आपका हुक्म। आ गए यार। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। एक बात पूछनी थी आपसे। पूछो। मुझे ऐसा लगता है, जब से मैं यहाँ आई हूँ, जरतशाह मुझसे खुश नहीं है। जरतशाह तो किसी से भी खुश नहीं है। क्या आप इसकी वजह जान सकती हूँ? अच्छा हुआ तुमने थोड़ी बात शुरू कर दी। एक्चुअली हम सब घर वाले जरतशाह की वजह से बहुत परेशान हैं, खास तौर पे बाबा जान। मैंने तो मुझे कहा था कि तुमसे बात भी करूं, लेकिन क्यों ना कि बाहर चले, कॉफी पीते हैं, बात भी कर लेंगे। जैसे आपकी मर्जी। चलो मैं चेंज कर लूँ फिर।
अभी तुम्हारी जिंदगी की इब्तिदा है, एक दूसरे को समझने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी फैसले नहीं कर लिया करो। बेटा एक बात याद रखना, जज्बाती फैसले देर पर नहीं होते। आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ कहना चाह रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से बात शुरू करूँ। ऐसी क्या बात है ज़हीर? बीवी हूँ मैं आपकी। सना, असल में बात यह है कि बाबा जान के बेजा लाड प्यार ने सरतशा को बिगाड़ दिया है। अम्मी जान की लाख कोशिशों के बावजूद सरतशा की तरबियत वैसी नहीं हो पाई जैसी जैसी एक लड़की की होनी चाहिए। देखो सब टेंस है, तैमूर, नादिया, आपा, सब क्या सोचते होंगे। लेकिन तैमूर ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की है। हाँ उसने तो नहीं की, लेकिन बाबा जान चाहते हैं कि तुम सरतशा से बात करो, उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ, और उससे भी जरूरी है कि सोबिया से किसी तरह उसकी जान छुड़ा दो। क्या सोबिया इस तरह की लड़की है? हाँ सना, सरतशा से क्या बात करनी है, कैसे करनी है, ये तुम बेहतर समझते हो। जी